मप्पी सोनी ने साल 1960 में मूवी एक फूल चार कांटे से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, वहीदा रहमान, टुनटुन, जानी वाकर और मुमताज बेगम शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 32 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 32 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 64 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1965 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जानवर। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, राजश्री, रहमान खान, राजेंद्र नाथ और असित कुमार सेन शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 75 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1968 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई ब्रह्मचारी। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, राजश्री, मुमताज, जगदीप, मोहन चोटी और प्राण शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल मूवी थी। इस मूवी का बजट 60 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,25,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1969 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई प्यार ही प्यार। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, वैजयंती माला, महमूद, मदनपुरी और प्राण शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 70 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,05,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,10,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1969 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई एक श्रीमान एक श्रीमती। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, बबीता, कामनी कौशल, राजेंद्र नाथ, प्रेम चोपड़ा और हेलन शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1970 में आई मूवी तुम हसीन मैं जवान। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बप्पी सोनी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, हेलन, सुलोचना और राजेंद्र नाथ शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 70 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,45,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,90,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1971 में आई मूवी प्रीतम। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पप्पी सोनी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, लीना चंदावरकर, हेलन, सुलोचना, विनोद खन्ना और अनवर हुसैन शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1971 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जवान मोहब्बत। इस मूवी के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, आशा पारेख, शशि कला, निरूपा राय, सारिका, राजेंद्र नाथ और प्राण शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1973 में आई मूवी झील के उस पार। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बप्पी सोनी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, मुमताज, योगिता बाली, अनवर हुसैन, रणजीत बेदी और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 80 लाख रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,20,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1976 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई भंवर। इस मूवी के लीड कास्ट में रणधीर कपूर,
परवीन बॉबी, अशोक कुमार, मदन पुरी, कामनी कौशल और अरुणा ईरानी शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1977 में आई मूवी चलता पुर्जा। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बप्पी सोनी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, परवीन बॉबी, राकेश रोशन, असरानी, बिंदु और अजीत शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1980 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई किस्मत की बाजी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शर्मिला टैगोर, रीना रॉय, जगदीप और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1981 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई जेल यात्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, रीना रॉय, निरूपा राय, अशोक कुमार, अमजद खान और अनवर हुसैन शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1983 में आई मूवी बड़े दिलवाला। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बप्पी सोनी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, अरुणा ईरानी, मदन पुरी और प्राण शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में आई मूवी सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बप्पी सोनी थे। इस मूवी के लीड कास्ट में बीना बनर्जी, आदित्य पंचोली, प्रिया तेंदुलकर और महेश आनंद शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1991 में मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में बनी मूवी आई खून का कर्ज। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बप्पी सोनी। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, रजनीकांत, संजय दत्त, संगीता बिजलानी, डिंपल कवाडिया, किमी काटकर, शक्ति कपूर और कादर खान शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1992 में इस्माइल श्रॉफ के डायरेक्शन में बनी मूवी आई निश्चय। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे बप्पी सोनी। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, सलमान खान, करिश्मा कपूर, मौसमी चटर्जी, रीमा लागू, सोनू वालिया और गोगा कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,72,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,00,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको बप्पी सोनी की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। बप्पी सोनी की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।